उनके सेंस दे सेंस इट लाइक दिस कि ये जो है किस इंटेंशन से देख रहा है या यू नो। तो मेरी बिकॉज आई नेवर बीन अ चीपस्टर, मैंने कभी भी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखा, कभी भी कोई ऐसा पॉइंट या ऐसी कोई हरकत नहीं की जो मुझे बड़ा इरिटेट करता था इवन व्हेन आई वाज इन माय टीनेज। और जब मेरे दोस्त करते थे तो मैं उनको गालियां देता था कि यार ये क्या हरकत है, ऐसा बन के वो तुझे देखे, शी कम्स आफ्टर यू, ना कि तू ये बोंगिया मार। So that's how I always win the hearts with the pure, respectable and lovable smile. माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा जी, अब कोई नहीं देता है, बहुत देता है। कोई ऐसी आदत जिससे आप कह सकते हैं कि आपको बड़ा नुकसान हुआ हो जिंदगी में, या उसने, जिस तरह कुछ लोग होते हैं उनका गुस्सा होता है वो उनको ले बैठता है, कुछ लोग होते हैं उनकी अच्छाई उनको ले बैठती है, तो आपकी ऐसी कौन सी आदत है? नहीं, मैं भी बड़ा नॉर्मल इंसान हूँ और मेरा भी गुस्सा जिसने मुझे कई मतलब नुकसान दिलाया, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। और मेरा गुस्सा ही है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मुझे करनी पड़ी कि बीच में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू कम अप, लाइक अच्छा खासा तगड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन वहाँ गुस्से की वजह से, क्योंकि मेरे लिए यार अली सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो मैंने हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो उसे आप गुस्सा कह लें, ईगो कह लें, सेल्फ रिस्पेक्ट कह लें। बिलाल कुरैशी को मिलके या उसके साथ रह के गपशप लगा के टाइम स्पेंड करके भी आपको नहीं आइडिया होगा कि बिलाल कुरैशी में जो खुद से बता रहे हैं कि ऐसा गुस्सा है वो नजर नहीं आता यार, वो कम आता है लेकिन जब आता है तो भरपूर आता है, ये मसला है। जब आ गया तो फिर आ गया, तो आ गया तो आ गया। चाय या कॉफी? चाय। अच्छा, टिकटॉक पे हम आपकी वीडियोस दूसरे लोगों के अकाउंट से अपलोड होती हुई देखते रहते हैं और आपने खुद ने से कोई अकाउंट नहीं बनाया, इसकी क्या वजह? यार बड़ा अच्छा सवाल किया अली। एक तो ये कि आई डोंट थिंक आई एम केपेबल ऑफ मेकिंग गुड टिकटॉक्स, मुझ में वो एबिलिटी नहीं है। नहीं, मुझे लगता है, ऑनेस्टली मुझे लगता है, मैं, मेरी बेगम भी कहती है कि यार आप जब टिकटॉक में या इस तरह कोई चीज़ होती है उनमें फनी एक्टिंग, ओवर एक्टिंग चाहिए होती है, तो आप से नहीं होती वो। दूसरा ये कि यहाँ पे बड़ी अच्छी आपने बात कही कि मैं सुहान की वीडियोस अपनी मेमोरीज इंस्टा पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी पोस्ट करता हूँ, आपने देखा होगा मेरी किसी भी पर्सनल पोस्ट पे भी टैगिंग नहीं होती। वो मैं करता हूँ जस्ट टू सेव द मेमोरी, क्योंकि अब जैसे सुहान ने लैपटॉप में उसके बचपन की जितनी मेमोरीज थी सब उसने पता नहीं, खुद ही वो देख रहा था कुछ, उसने डिलीट मार दी, उड़ा दी। फोन्स कभी गुम जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, चोरी हो जाते हैं, कभी तो चीजें उड़ जाती हैं। तो आई, माय रीजन ऑफ पुटिंग थिंग्स ऑन इंस्टा और एफबी और अपलोडिंग इज टू सेव। अच्छा, कई और लोग हैं जो यूट्यूब पे, अभी बल्कि किसी ने अरूशा कुरैशी के नाम से यूट्यूब पे बनाया हुआ है और वो हमारी वीडियोस और बड़े उनके फॉलोअर्स और पीपल मे बी थिंकिंग इट्स अरूशा, बट नो, नन ऑफ अस, हम में से कोई इन चीज़ों में नहीं है। बट वो हमारी वीडियोस का, आप तीनों मिलके एक यूट्यूब चैनल तो बनाए एटलीस्ट, टिकटॉक में नहीं भी आना। यार एक्चुअली अली आरिफ हमें ये काफी अरसे से कह रहे हैं, 1 साल हो गया अली हमें ये कह रहे करने को, लेकिन हम लोग बड़े सुस्त लोग हैं, वी आर नॉट स्मार्ट इनफ ना। नहीं, बट आई थिंक यू शुड मेक अ यूट्यूब चैनल। चले, इसमें हम डिस्कशन करेंगे बाद में। अभी आप हमें कोई गाने की तरफ हम आते हैं, लेकिन गाने से पहले मेरे एक और सवाल मेरे जहन में चल रहा था, वो मेरे जहन से निकल गया, तो अब आप गाना सुना। वाह वाह, मैं सवाल सोच लेता हूँ। वाह वाह वाह, कल मैंने फराह के लिए गाना गाया लाइव में। कौन सा गाना गाया? फूलों का तारों का ये वाला नहीं चाहिए भाई, अब कोई अच्छा गाना सुनाए। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जा के भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा। ये तो वो बात होगी ना कि मैं आपको कहूँगी मेरे सामने एक्टिंग करें। यार क्या कैसे कर लेते यार आप, मतलब कैसे कर लेते, इतना जबरदस्त का है बहुत कुछ बता दो यार। आजकल पता क्या हो रहा है, मैं और बेगम अक्सर बैठे होते हैं ना, सुहान सोया होता है तो नथिंग टू, तो हम गाने गा रहे होते हैं। अच्छा तो अभी कल शायद ये वाला टैलेंट आप में है, जब हमारी पहली इंटरेक्शन हुई थी तब भी पता चला था कि आप में ये वाला टैलेंट है। अच्छा ओके, लेट मी टेल यू ऑल, यहाँ पर मैं आप सबको बताऊँ कि मेरी अली से पहली मुलाकात हुई थी फराह के घर, उसकी बर्थडे पर। और मैं पहली चीज जो अली की मुझे इंस्पायर इम्प्रेस की थी वो ये कि ही सैंग अ सॉन्ग ऑफ आतिफ असलम, दिल दिया गला गला, तो इधर फिर हो जाए दो दो हाथ हो जाए। चले जी, वही आप बहुत जबरदस्त गाते हैं। ओहो यस ओके। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोने, सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के सच्चिया मोहब्बत ने भाके, दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बहके, अख नाल अख नू मिला के, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, ऐवी झूठी मोटी रुस के के, दिल दिया गल्लां करांगे रोज रोज बहके, सच्चिया मोहब्बत निभा के, दिल दिया गल्लां। वाह 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 वाह, मतलब मुझे कटरीना कैफ याद आ गई बड़ी शिद्दत से। यार मतलब फील्ड में चला गया था भाई, फुल फील्ड में चला गया था यार। आपकी सोच है, अच्छा मैं सोच रहा हूँ अब सलमान खान भी वहीं पर है तो मैं क्या बनूँ, तो मैं सोच रहा हूँ मैं बर्फ बन जाता हूँ, उसी पे गिरे हैं ज्यादा। यार ये भी, लेकिन यार बहुत अच्छा है अली, अली अली तुझे प्रोफेशनल गाना चाहिए, मैं कब से कह रहा हूँ प्रोफेशनली गाना चाहिए, यू शुड सिंग, आई एम टेलिंग यू, और मैं कब से बता रहा हूँ, आप सीरियस ही नहीं हो रहे। हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो। यार आई एम सॉरी अगर मेरे सारे जो दोस्त यार नाराज ना हो जाएं कि हम आपस में गप्पे लगा रहे हैं और उनके मैसेज नहीं पढ़ रहे, तो रीजन मेरी आवाज और वीडियो आ गई आपको वापस? अब आ गई है जी, अब आ गई है, ठीक है। वो कोई डिस्कनेक्शन हो गया था बीच में, तो एक्चुअली मैं अली जब आता हूँ, मैं लाइव आता हूँ ना अपने, मैं जब लाइव आता हूँ ना अपने पेज से, तो मैं बड़ी इंटरेक्शन करता हूँ अपने फैंस के साथ। नहीं सर वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज उनके मैसेज, उनके कमेंट, उनकी चीजें, इंटरव्यू टाइप सेशन आपके साथ। और मेरा ख्याल है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप उस तरह से कमेंट्स में वो डिफरेंट चीजें आ रही होती हैं कि मेरा नाम ले लें, ये कर दें, वो कर दें, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जो ये किरण देखिए सबने बैठ के सुनी है, ऐसा नहीं है कि लोगों की इंटरेक्शन ही लोग छोड़ के चले गए। अब ये कहना अब टाइम है तो अब आप करें इंटरेक्शन, बाकी मैं अब यहाँ से इजाज़त चाहूँगा, और दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि जाते जाते आपकी मैसेज जो है लोगों को कि अपना क्वारंटीन जो है उसको किस तरह से गुजारें, या रोज़ जो घरों में टाइम स्पेंड करते हैं उसमें कौन से ऐसे काम हैं जो किए जा सकते हैं, तो वो भी ज़रूर बताएं लोगों को। यार शायद थोड़ी अजीब सी बात होगी लेकिन व्हाट आई डिड पर्सनली, मैं वही कह सकता हूँ जो मैं खुद करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ लूँ, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू भी किया नमाज़ पढ़ना। कोशिश करता हूँ फजर की तो लाजमी पढ़ूँ, बाकी भी कोशिश करता हूँ, बड़ा एक आपको रिलैक्स और रिलीफ मिलता है। और देखिए जी बात वही है कि मौत बर हक है, मरना है हम सब ने, सो जब तक जिंदा है तो जिंदा रहें, ना कि शर्मिंदा रहें। तो अपनी जो भी, जैसे रमज़ान के हमें 30 दिन मिलते हैं तो हम अपनी इस्लाह करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपनी बुराइयां ख़त्म करें, अच्छाइयां डालें और यू नो अपना एक पूरे साल में जो होता है एक रिफ़्रेश करते हैं। तो इस मरतबा देखें समहाउ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमें वो ज़्यादा स्पैन मिल गया, स्पैन ऑफ टाइम, कि हम अपनी बेहतरी कर सकें, अपनी इम्प्रूवमेंट्स कर सकें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये भी कि अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें कि इस मुश्किल वक्त में भी हमारे लिए कितनी आसानियाँ हैं, क्योंकि वो लोग जिनके लिए इस मुश्किल वक्त में मुश्किलात तो हैं लेकिन आसान वक्तों में भी मुश्किलात होती हैं, उनके बारे में ज़रा सोचें तो आपको लग पता जाए कि हाउ मच ब्लेस्ड वी आर, अल्लाह ने हमें कितना ब्लेस्ड रखा है। तो शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना जो है ना वो बड़ी खूबसूरत चीज़ है। बाकी ये कि घर के कामों में जितने भी लड़के हैं वो पार्टिसिपेट करें। मैं हफ्ते में 1 दिन जाता हूँ और ग्रॉसरी करता हूँ। उसके अलावा वी आर कम्प्लीटली फॉलोइंग द लॉकडाउन, हम घर से बिल्कुल बाहर, ना कोई नेबर आ सकते हैं ना हम जा सकते हैं, वी आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द लॉकडाउन। और घर के कामों में मैं पार्टिसिपेट कर लेता हूँ, यानी कि अब बर्तन मैं धोता हूँ डेली और पानी की बोतल सुहान फिल करती है। तो मैं मैसेज कर रहा हूं भाभी को, बर्तन धोते हैं नहीं धोते, आई स्वेयर आई मीन इट, मैं बड़ा मजा आता है, इट्स फन। और ये कि वो काम डिवाइड कर लें तो ये बड़ा मजा आता है, यू कैन मेक दिस टाइम इवन मेमोरेबल टाइम बाय योर गुड एक्ट्स। या जिन्होंने मैसेज किया था और उन्होंने मैसेज किया था कि 2 स्वीट इंसान और 2 प्यारे इंसान एक साथ लाइव सेशन में है। और एक अरीशा खान मैसेज कर रही थी और Ali, I can't hear you. Your video got stuck. मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा। अभी आ रही आवाज? अली, सारी बातें वो नहीं सुनाई दी, स्टक हो गई थी वीडियो। अच्छा, बस मैंने ये बोला था कि जमोर्द आए थे लाइव सेशन में और अरीशा आई थी, बस उनके तो मैंने कमेंट्स में वो पढ़े थे। बाकी आप अब लोगों से इंटरेक्शन करें, मैं भी नीचे आ रहा हूँ और आपके मैसेजेस और आके सुनता हूँ। ठीक है मेरी जान, चल अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जी मेरे यारों, मेरे प्यारों, जिगर के टोटो, बड़ो और छोटो, क्या हालचाल है यार। इट वॉज लाइव सेशन बिटवीन अली आरिफ एंड बिलाल कुरैशी। उनके पेज से हम गए थे, फिर उन्होंने कहा इस पेज से, तो हम इधर से आ गए, तो इसलिए हम इंटरेक्शन नहीं कर सके वो जो हमारी होती है आपस की। तो आपस की बात है आपस में रखना, मेरा दिल किस पे है किसी को ना दसना। सो वंस अगेन वार्मली वेलकम और आई लव यू ऑल एंड आई रिस्पेक्ट यू ऑल। सो नाराज़ किसी ने नहीं होना, और अगर हो गए तो आज एक रोटी ज़्यादा खा लीजिएगा। बुशरा हेयर, नाम तो सुना होगा, बुशरा काम भी देखा है तुम्हारा, तुमने वो वीडियो जो एडिट करके भेजी मुझे, मेरी और शाहरुख खान की, बड़ी ज़बरदस्त लगी मुझे। यू आर वेरी क्रिएटिव एंड जीनियस, माशाल्लाह। So yeah, I'm getting so many videos, so many pics edited, so many video edited by my lovely people, and मैं बड़ा enjoy करता हूँ आजकल, क्योंकि time है तो मोबाइल पे mostly I spend my time. So I enjoy watching those videos, those pics, those efforts you put in your editing. Your editing skills are amazing. I'm seriously, क्या sense है आप लोगों का यार, मैं तो हैरान हो गया। सो अब थोड़ी देर हम गपशप लगा लेते हैं ताकि आप ये ना कहें कि हम अपने बस आए और गपशप लगा के चले गए। उसके बाद फिर मैं ये कि इजाज़त दूंगा। सो जाने दो, चुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आँख लगी है बहल जाने दो यार, जल में कहीं। तो मेरी आवाज़ फिर से आए लाइव या क्या कहते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे, मैं फिर से आता हूँ।